जी जनाब, तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब सॉरी जी, यहाँ पे थे हम, टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स दैट लीड्स टू IoT में। अब हम देखते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम एक्चुअली, जिनके बारे में बार बार बात कर रहे हैं, होते क्या हैं या इनके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जो IoT डिवाइसेस हैं एक्चुअली, वो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है कि वो कनेक्टेड विद द इंटरनेट होते हैं। सही है। और एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं? वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं जो कि कंप्यूटर की तरह नहीं होते। कंप्यूटर तो एक, आपको पता है, खास तरह की मशीन होती है। उसके अंदर एक CPU होगा और एक स्क्रीन होगी, कनेक्टेड होगी, उससे कोई कीबोर्ड माउस वगैरह लगा होगा। एम्बेडेड सिस्टम की शक्लो सूरत इस तरह की नहीं होती, लेकिन हरकतें होंगी कुछ कुछ जिससे मिलते जुलते कंप्यूटेशन करते हैं। और जो कम्प्लेक्सिटी है ना उसके अंदर, वो यूजर के सामने नहीं आ रही होती। यूजर के सामने एक छोटी सी बॉक्स होगा, बिल्कुल छोटा सा, उसके अंदर कुछ दो तारे जा रही होंगी, दो तारे उसमें से निकल रही होंगी वगैरह वगैरह। या अगर उस बॉक्स को खोल लें तो अंदर एक छोटा सा PCB होगा, उसके ऊपर कुछ ICs लगी हुई होंगी बस। और जो उसके अंदर सारी कम्प्लेक्सिटी है, वो हमने प्रोग्राम और सेंसर्स के कनेक्शंस और एक्चुएटर्स के कनेक्शन की फॉर्म में, उस के अंदर, उस PCB और उसके अंदर मौजूद ICs, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एम्बेड की हुई होगी प्रोग्राम वगैरह के अंदर। तो वो एम्बेडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी विद इन दैट पीस ऑफ, लाइक, जो भी सर्किट है, उसकी वजह से इसको एम्बेडेड सिस्टम्स का नाम दिया गया था। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम से। तो एम्बेडेड सिस्टम जो होते हैं उनके अंदर कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी तो होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि वो नेटवर्क से कनेक्ट हो या ना हो। ठीक है, तो वो होते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। तो अब जो हो रहा है, पहले जमाने में एम्बेडेड सिस्टम तो बहुत पुराने हैं, उनकी हिस्ट्री, लेकिन अब जो सिस्टम्स मूव हो रहे हैं वो एम्बेडेड सिस्टम से IoT की तरफ मूव हो रहे हैं। ठीक है, और हम पुराने लेगेसी एम्बेडेड सिस्टम को या तो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके उनको IoT बना देते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस, या फिर हम उसी काम के लिए नई डिवाइसेस बनाते हैं जो कि ना सिर्फ वो पुराने वालों से ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर रही होती हैं, बल्कि साथ साथ वो इंटरनेट से कनेक्टेड भी होती हैं। और इट डिपेंड्स कि आपका जो एम्बेडेड सिस्टम है उसका इंटरफेरेंस यूजर के साथ है कि नहीं, इंटरेक्टिविटी यूजर के साथ है कि नहीं। अब ये डिपेंड करता है उस IoT डिवाइस की कम्प्लेक्सिटी या रिक्वायरमेंट या फंक्शनैलिटी के ऊपर ना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ डिवाइसेस या कुछ एम्बेडेड सिस्टम ऐसे भी होते हैं जिनका यूजर से कोई लेना देना नहीं होता, वो यूजर से कभी भी इंटरेक्ट नहीं करते, वो मशीन टू मशीन कंप्यूटेशन या IoT डिवाइस टू IoT डिवाइस कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल आपकी डिस्क ड्राइव है, अब आप यानी कि एज ए यूजर का जिस तरह इंटरेक्शन होता है वो कभी भी डिस्क ड्राइव से नहीं होता, वो काम कर रहा होता है कंप्यूटर पे या रैम से नहीं होता। और कंप्यूटर देखते हैं कि कौन सी डिवाइस है, कौन सी फाइल है, उसको मैंने उठा के रैम में रखना है, कौन सी डिवाइस को डिस्क पर राइट करना है। ठीक है, वो सारे काम जो प्रोसेसर से या रैम से डिस्क पे जा रहे होते हैं, डिस्क से उठ के रैम में आ रहे होते हैं, ये उन दोनों की आपस में कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, जिस तरह। ठीक है, इसी तरह अगर गाड़ियों की एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जो उसके अंदर इम्प्लीमेंट हुआ होता है, तो वो गाड़ी की स्पीड और टायरों के रोक और मूवमेंट और इन चीज़ों को देखते हुए वो डिसाइड करती है कि किस टायर के ऊपर कितना, यानी कि ब्रेक के वो जो लिक्विड होता है उसका प्रेशर देना है और किस टायर पे कम देना है वगैरह वगैरह। अब ये सारा डिसीजन वो गाड़ी के स्पीड सेंसर से, ठीक है, और इसी तरह आपके स्टीयरिंग की पोजीशन से, स्टीयरिंग का वो जो रॉड होता है वो किस एंगल पे कितना मूव हुआ हुआ है, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ना वो डिसीजन लेता है। तो वो डाटा, मतलब लाइक जो आपका स्टेयरिंग का एम्बेडेड सिस्टम है और जो आपके RPM वाला सेंसर है वो जिस डिवाइस से कनेक्ट हुआ है, और इसी तरह से जो ब्रेक के फ्यूल इजेक्शन होती है, जो उस ब्रेक का जो लिक्विड इजेक्शन वाला सिस्टम होता है, उन सब के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो उसका यानी कि, मतलब इस वाले आखिरी वाले पॉइंट में कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं होता कि हर एम्बेडेड सिस्टम ह्यूमन से इंटरेक्ट कर रहा हो। बहुत से एम्बेडेड सिस्टम टू एम्बेडेड सिस्टम इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो उनकी आपस में एक दूसरे को डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक दूसरे से डाटा ले रहे होते हैं, फिर उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं। ठीक है, अब एम्बेडेड सिस्टम को एफिशिएंट बनाना क्यों जरूरी है? नंबर एक तो ये कि आजकल की जो मार्केट है वो कॉस्ट क्रिटिकल मार्केट है।
इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक ही चीज आपके 10 मॉडल 10 मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से मिल रही होती है, अब उसके अंदर से कंज्यूमर क्या चूज करेगा? उस डिसीजन में बड़ा अहम किरदार कॉस्ट भी कर रही होती है। तो सपोज एक बंदा एक चीज 40,000 की दे रहा है विद सेम फीचर जो कि दूसरा 50,000 की दे रहा है, तो फिर एंड यूजर जो है अगर उसको सामने सामने चीजें सेम लग रही हैं और फंक्शनैलिटीज भी सेम है, तो वो 40,000 वाली तरफ जाएगा। वो कहेगा भाई ये चीज 10,000 सस्ती मिल रही है सेम फंक्शन के साथ, तो वाई नॉट टू गो फॉर दैट थिंग, दैट मॉडल, दैट कंपनी। इसकी वजह से कॉस्ट क्रिटिकल, कॉस्ट को कम रखना बड़ा क्रिटिकल हो गया मार्केट में अपना शेयर बरकरार रखने के लिए। सेकंड कि पावर भी बड़ी क्रिटिकल है, स्पेशली IoT की बास इम्प्लीमेंटेशंस में आपका बड़ा दारोमदार पावर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने टेम्परेचर सेंसर अपने पूरे शहर में इंस्टॉल कर दिए, अब वो टेम्परेचर सेंसर्स के लिए अब आप ने कोई बिजली का मीटर तो नहीं लगाना हर सेंसर के साथ, ठीक है, जहां से उसको पावर मिलती रहे, तो अब क्या करेंगे कि उसके अंदर कोई बैटरी इम्बेड कर देंगे। अब उस सेंसर की लाइफ तब तक है जब तक उसकी बैटरी के अंदर जूस मौजूद है, बैटरी के अंदर करंट मौजूद है, ठीक है। तो अब जितना एफिशिएंटली आप उस बैटरी को यूज करेंगे और जितना लॉन्ग टर्म तक वो एम्बेडेड सिस्टम अलाइव रहेगा, उतनी देर तक आपको डाटा मिलता रहेगा। और जो ही उसकी बैटरी खत्म होगी तो आपको दो काम करने पड़ेंगे, या तो वो फिर सेंसर डेड हो जाएगा, जाया हो जाएगा, अब आपको उस जगह का टेम्परेचर का डाटा नहीं मिल रहा होगा, या आपको जाके उसकी बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। और जब तक बैटरी रिप्लेस नहीं होगी तब तक वो सेंसर रीडिंग देने के काबिल नहीं होगा क्योंकि वो चल ही नहीं रहा होगा ना। इस सूरत हाल में पावर की भी क्रिटिकलिटी बहुत, कॉस्ट की तो है ऑलरेडी, प्लस पावर की भी बढ़ जाती है। और हमने सिर्फ ये नहीं करना होता कोई डिवाइस बना के कि बस यार हमने डिवाइस बना ली हमारा काम कर ले, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि काम करती रहे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हमें कोई चेंज ना करना पड़े, उसमें कोई इश्यूज ना आए, वो जल बल ना जाए, उसमें कोई एरर ना प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, उसकी कोई बैटरी ना खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये सारे वो एरियाज हैं जिनको मद्देनजर रख के हम सिस्टम डिजाइन करते हैं। तो हमें सिर्फ एक सिस्टम नहीं बनाना IoT का या एम्बेडेड का, बल्कि हमने एक एफिशिएंट सिस्टम बनाना है। इसकी एग्जाम्पल हमने रस्ट वाले अपने लेक्चर्स में ली थी कि यार अगर आपने किसी की एज सेव करनी है, ठीक है, तो आपको पता है कि यार एज मैक्सिमम 200 साल लग जाएगी। 200 साल भी बहुत बड़ी बात है, वरना तो लोग 100 साल की भी आजकल मुश्किल से हो रहे थे, लेकिन चले हम सपोज कर लेते हैं 150 साल तक चली जाएगी किसी बंदे की एज, 200 साल तक मैक्सिमम चलेगी, 200 साल से ऊपर नहीं होने लगा कोई बंदा, ठीक है, तो वो भी रेयर केसेस में। तो व्हाई यू आर वेस्टिंग लाइक I32 साइज, इंटीजर 32 साइज का आप साइज बना रहे हैं, ठीक है, आप उसकी जगह अनसाइंड, क्योंकि एज किसी की नेगेटिव तो नहीं होनी, ये तो बात कंफर्म है, कोई बंदा -10 साल का नहीं होता, -20 साल का नहीं होता, हर बंदा 1 साल या उससे ज्यादा साल का ही होता है, ठीक है ना। तो हमें एक बात पता चल गई कि यार जब ये एज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी है तो हम इंटीजर की जगह अनसाइंड टाइप की वेरिएबल यूज करें, पहली तो बात ये हो गई। और दूसरी बात ये कि एज बमुश्किल 150 से ऊपर जाएगी, सेफ साइड पे चले आप कह लें कि बहुत रेयर केस है कभी कि एक बंदा कोई आ जाए जिसकी 150 साल से भी ऊपर हो जाए फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको भी कैटर फॉर कर लें, तो 200 साल से ऊपर तो हमें पूरा यकीन है कि किसी की नहीं होगी एज, ठीक है, जो हमें इस सिस्टम में डालनी पड़े। तो अगर हम अनसाइंड 8 बिट साइज का, यानी कि 8 बिट साइज का हम वेरिएबल बना लें U8, तो हमारी कितनी रैम बचा लेगा, ठीक है, जो हम स्टैंडर्ड अगर हम उसकी आगे से टाइप डिफाइन ना करें तो वो 32 साइज का वो बना लेती है, 4 बाइट का वो वेरिएबल बना लेती है रस जो होती है, ठीक है। अब होगा ये कि जब आप 4 बाइट का वेरिएबल बनाएंगे ना, तो रैम में 4 बाइट स्पेस को पावर मिलना शुरू हो जाएगी, उसमें कोई चीज़ स्टोर हो रही है या नहीं हो रही वो पावर कंजम्पशन शुरू कर देगा। वही अगर आप 8 बिट वाला बनाएंगे, 1 बाइट वाला, तो अब आपकी पावर सिर्फ 1 बिट रैम को पावर करने में खर्च हो रही है। तो आपका ये जो U8 वाला सिस्टम है वो 32 वाले सिस्टम से 4 गुना ज्यादा चलेगा। अगर जो U8 वाला सिस्टम है वो जितनी पावर खर्च करेगा 4 मिनट चलने में, उतनी पावर में वो U32 या डिफॉल्ट वाला जो होता है वो 1 मिनट के बाद उतनी पावर कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो अगर सपोज आपकी बैटरी, अगर आपने U8 साइज रख के रैम को उस सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं इसी बैटरी पे, तो वो अगर 20 दिनों में खत्म होती है वो बैटरी, तो अगर आपने उसको U32 पे रखा तो वो 5 दिनों में खत्म हो जाएगी।
बैटरी आपको 5 दिनों के बाद रिचार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वजूहत होती है कि अपने सिस्टम को अपने एफिशिएंटली डिजाइन करना होता है, उसकी रीजन ये होती है। उसको तो बंदा कहता है ना कि यार रैम है तो क्या हुआ, हमारे पास 4 GB रैम लगी है तो हम क्या ये 4 बाइट और 1 बाइट में खेलते रहे। लेकिन वो जब आप एम्बेडेड सिस्टम पे जाएंगे तो उस वक्त आपके पास वो 4 GB रैम नहीं होगी, उस वक्त आपके पास सिर्फ 256 KB रैम हो, नंबर 1। तो ये तो चलिए 4 बाइट और 256 में तो फिर भी बहुत फर्क है 256 KB में, लेकिन आप ये देखिए कि ऑन द अदर हैंड वो पावर बड़ी कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। अगर आप 4 बाइट को पावर अप करेंगे तो आपके 4 गुना पावर जा रही होगी, अगर आप 1 बाइट को पावर अप करेंगे तो 1 बाइट स्टोरेज के लिए वो एरिया को पावर जा रही होगी। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। उसके बाद हम इनकी ये सारी जो जिम्मेदारी है एफिशिएंसी की, ये हम लोगों के ऊपर है। ये जो जो बंदा डिजाइन कर रहा होगा सिस्टम को, उससे देखना है कि यार मैं कहाँ कहाँ से एफिशिएंसी ला सकता हूँ, कहाँ कहाँ से कॉस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ से पावर यूजेज रिड्यूस कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल कुछ बता रहा है कि एम्बेडेड सिस्टम और रेगुलर डिजाइन में क्या फर्क होता है, कि जो एम्बेडेड डिवाइसेस डिजाइन होती हैं वो जनरली एप्लीकेशन स्पेसिफिक डिजाइन होती हैं। जिस काम में आपने रेफ्रिजरेटर में अपने अंडे गिनने के लिए लगानी है, तो आप उसी के हिसाब से कंपोनेंट उठाएंगे, उसी के हिसाब से डिवाइस को डिजाइन करेंगे। ठीक है, आपने अगर किसी गाड़ी का मेन कंट्रोलर बनाना है, जिस तरह ट्रांसमिशन कंट्रोलर होता है जो आपके ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं, तो आप उसको उस हिसाब से उस रिक्वायरमेंट को जो गाड़ी के इंजन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, उनको देख के भी डिजाइन करेंगे। ठीक है, और आपने किसी बिजली घर पावर प्लांट के अंदर कोई एम्बेडेड डिवाइस लगानी है, तो आप उसकी वहां उसने काम क्या करना है उसको देखते हुए उस डिवाइस को डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो जो पावर प्लांट के अंदर जो डिवाइस लगी हुई है, वो डिवाइस यूज करते हुए आप रेफ्रिजरेटर को नहीं चलाएंगे, बिकॉज वो उसकी लेवर पावर्ड हो जाएगी। तो रेफ्रिजरेटर का छोटा सा काम है, उसके लिए कोई छोटी सी डिवाइस डिजाइन करेंगे और वो उतनी पावर एफिशिएंट भी होगी। ठीक है, और ये जो लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स वगैरह हमारी कंप्यूटेशन डिवाइसेज होती है, मोबाइल फोन्स वगैरह हैं, ये तो हर तरह के काम कर सकते हैं। ये वीडियो भी चला सकते हैं, ये आपको गेम भी खिलवा सकते हैं, ये आपको ऑडियो वीडियो भी सुनवा सकते हैं, ये आपकी कॉल वगैरह भी रिसीव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की बात करें तो। ठीक है, तो अगर उस पर जाए कंप्यूटर या डेस्कटॉप है तो उसमें विजुअल स्टूडियो भी चल सकता है, उसमें आप रस्ट को प्रोग्राम भी कर सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप लैपटॉप पे आप हर तरह के काम कर सकते हैं, 5,000 तरह के, डिफरेंट तरह के। लेकिन डिवाइस जो है ना, जो आप एम्बेडेड डिवाइस डिजाइन करेंगे, उससे आपने एक ही काम करवाना है, और वो काम ऐसे कराना है कि बस उससे बेहतर काम फिर वो कोई और चीज ना कर सके दुनिया में, इतना आपने उसको एफिशिएंट बनाना है। ठीक है, और वही बात है कि पावर बचाने के लिए आपको फंक्शन स्पेसिफिक होना पड़ता है। ठीक है, जनरल पर्पज जो डिवाइसेज होती हैं, जिस तरह की आपकी कंप्यूटर वाली मशीनें, ये हमेशा ओवर पावर्ड होती हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि आपने इनसे क्या काम करवाना है। उन्होंने इतनी पावर रखी होती है एहतियातन कि आप उनसे कोई भी काम करवाना चाहें तो पावर उनके लिए सफिशिएंट हो। लेकिन जो IoT डिवाइसेज है उनके लिए केस बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए आप उनको बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली सिंगल काम जिसके लिए वो आप बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, उसके लिए डिजाइन करना होता है। उसमें उतने ही कंपोनेंट, उतनी ही चीजें लगानी होती हैं जितनी उस सिर्फ उस काम को परफॉर्म करने के लिए जरूरी हो। ठीक है, और इसमें इस तरह नहीं होता कि यार आप ना दो चार चीजें खरीदें, उसको एम्बेड करें और वो काम चलाना शुरू कर दें। वो आपको बड़े वाइजली देखभाल के, सेंसर देख के और रेलिवेंट प्रोग्राम करके उनको मुआरजे वजूद में लाना पड़ता है। ठीक है, तो उसकी वजह से एम्बेडेड सिस्टम में आप अपनी मर्जी की, जैसे आप कंप्यूटर लेने जाएं तो आपको स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशंस मिल रही होती हैं। ठीक है, अब सपोज एग्जांपल ले लें आपके, आपने सपोज करते हैं कि आपने जो कंप्यूटर लिया उस पर हमेशा आपने कोडिंग करनी है, ठीक है, प्रोग्रामिंग करनी है, सपोज विजुअल स्टूडियो के अंदर आपने प्रोग्राम करना है, तो अब आपको माइक्रोफोन की जरूरत नहीं है। या अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो आपने चूंकि वीडियो चैट कुछ भी इस तरह का काम नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ आपने हमेशा, आपको पता है कि मैं हमेशा इसके ऊपर सिर्फ कोडिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल अब आप ये नहीं कर सकते कि उस लैपटॉप में से कैमरा निकलवा दें कि अरे कैमरा तो एक्स्ट्रा पावर तो ले रहा है ना, या माइक उसमें से पावर तो ले रहा है, या माइक की कॉस्ट तो ऐड हो रही है उसके डिजाइन में। ठीक है, तो आप ये नहीं कर सकेंगे कि आप डेल को कहें या HP को कहें यार चूंकि मैंने इस लैपटॉप पे सिर्फ कोडिंग करनी है और मेरा कोई वीडियो ऑडियो कॉलिंग शॉलिंग का कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, तो आप इसमें से कैमरा और माइक निकाल दें ताकि ये लेस पावर कंज्यूम करे, उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए, जा रहा है माइक की भी कॉस्ट होगी जो कि उस टोटल प्राइस में ऐड हुई है और कैमरे की भी कॉस्ट होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप एम्बेडेड डिवाइस डिजाइन करेंगे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपको माइक की जरूरत नहीं है, आप उसमें मत लगाएं,
आपको कैमरा की जरूरत नहीं है उसमें मत लगाएं, बल्कि होगा ये कि जिस चीज़ की आपको जरूरत है सिर्फ आप वो लगाएंगे, ठीक है। वो इसमें क्या होता है, चीज़ 100 से स्टार्ट होती है लैपटॉप में और आपको 100 की 100 पकड़ा दी जाती है, चाहे आपको जरूरत है या नहीं है। जितनी उन 100 में से आपको जरूरत है वो यूज़ करते रहे, बाकी उसके अंदर एम्बेड रहेंगी, पड़ी रहेंगी। लेकिन एम्बेडेड डिवाइस के केस में आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, आप बोर्ड लेते हैं, आपको जो जो सेंसर चाहिए होते हैं सिर्फ वो सेंसर पिक करते हैं, उसके अंदर फिट करते हैं और उसको प्रोग्राम करके चलाना शुरू कर देते हैं। तो जीरो से स्टार्ट होता है। अगर आपको चार डिवाइसेज चाहिए तो सिर्फ उसमें आप 1, 2, 3, 4, 4 डिवाइसेज एम्बेड करते हैं, कनेक्ट करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, पावर देते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर या जो जनरल पर्पज हार्डवेयर है, कंप्यूटर वगैरह और एम्बेडेड डिवाइसेज, उसमें फ़र्क ही सबसे बड़ा ये है कि कंप्यूटर लेते हुए ना आपको हार्डवेयर की इतनी ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड हासिल होनी चाहिए। अब आप जाते हैं कंप्यूटर लेते हैं, घर आते हैं, सीडी लगाते हैं, विंडोज या लिनक्स इंस्टॉल करते हैं और आगे उस पर काम शुरू कर देते हैं। तो विंडोज लिनक्स क्या है, सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जो मजीद आप सुन ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। उसके ऊपर विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, सारी सॉफ्टवेयर वाला काम है। हार्डवेयर का आपको कोई लेना देना नहीं होता, हार्डवेयर आपको एक मिल गया डेस्कटॉप या लैपटॉप की शक्ल में, ठीक है। लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में ऐसा नहीं होता, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी रिक्वायर बोर्ड क्या है, हार्डवेयर, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेंसर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, सेंसर्स क्या है, हार्डवेयर। फिर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक्चुएटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक्चुएटर्स क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। फिर आप उनको जोड़ेंगे, आप इसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे, कनेक्टिविटी किस तरह होगी, हार्डवेयर के थ्रू होगी, आप उसके अंदर सोल्डरिंग करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, तारे लगाएंगे, ठीक है। आप उसको पावर प्रोवाइड करेंगे, पावर के कनेक्शंस बनाएंगे, वो भी हार्डवेयर है, ठीक है। लगाना के बाद पावर आएगी, लेकिन उससे पहले आपको सारी तारें मारें ये वो उसका जोड़नी पड़ेगी। बैटरी अगर फिट कर रहे हैं, बैटरी क्या है, हार्डवेयर है। देन फिर आप उसके ऊपर साथ प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग किया, अब ये सॉफ्टवेयर है, लास्ट के अंदर प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करके उसको बंद करेंगे, बंद करके चलाएंगे, अब ये है सॉफ्टवेयर वाली साइड, ठीक है। तो एम्बेडेड सिस्टम या IoT सिस्टम की डिज़ाइन में आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, जबकि जो जनरल पर्पज़ हार्डवेयर है लाइक आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इनके लिए आपको हार्डवेयर की नो हाउ की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर बोर हासिल होना चाहिए, ठीक है। अब एम्बेडेड सिस्टम के ना तीन पार्ट्स हैं, इनके नाम अभी मैं बार बार ले रहा था, वो है सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर और एक्चुएटर्स। सेंसर्स क्या होते हैं, सेंसर अपने गर्दोनमा से डेटा लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उसकी रीडिंग्स लेते हैं और फिर उसको प्रोवाइड करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को, जो कि आपने अपनी IoT डिवाइस में लगाया होता है। माइक्रो कंट्रोलर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं डेटा के ऊपर, कुछ चेक्स चेक करते हैं, जो भी आपने प्रोग्राम किया है वो चेक करते हैं, और देन उसके अकॉर्डिंगली एक्टुएटर, एक्टुएटर क्या होते हैं, वो कंट्रोल्स होते हैं जिसकी मदद से आप कोई एक्शन अपने एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर हम पुरानी लें, वो जो हमने पानी देने वाली बात की थी, तो एक सेंसर होगा ह्यूमिडिटी वाला, वो क्या करेगा, वो ज़मीन में से नमी का जो वैल्यू है वो चेक करेगी, चेक करने के बाद उसको डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट करेगी, कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर को भेज देगी, माइक्रो कंट्रोलर चेक करेगा कि यार नमी की वैल्यू कितनी है, पता चलेगा कि जी नमी की वैल्यू है 5%। अपना वो प्रोग्राम लिखा होगा कि अगर नमी की वैल्यू 50% से कम हो तो आपने पौधों को पानी देना है। तो माइक्रो कंट्रोलर क्या करेगा कि वो एक्टुएटर जो लगा होगा ना पानी के पाइप में, उसको सिग्नल करके ऑन कर देगा, तो जो ही एक्टुएटर ऑन होगा ना तो पाइप में से पानी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पानी चलेगा और आगे छिड़काव होना शुरू हो जाएगा पौधों के ऊपर, और साथ टाइमर लगा होगा, एक टाइमर सेंसर भी होगा, वो सेंस कर रहा होगा कि एक्टुएटर कब एक्टिवेट हुआ है, तो पूरे 5 मिनट के बाद वो एक्टुएटर को बंद कर देगा। जो ही एक्टुएटर बंद होगा तो पानी का फ्लो भी बंद हो जाएगा और आपके पौधों को पानी जाना रुक जाएगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि सेंसर ने सेंस किया कि नमी कितनी है, नमी अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है उसका मतलब है कि पानी देना है। जब ये सेंसर ये डेटा नमी का डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर को भिजवाएगा, तो माइक्रो कंट्रोलर उसकी बेस पे डिसीजन लेगा कि मैंने एक्टुएटर के थ्रू एक्टिवेशन करवानी है वाटर पाइप की या नहीं। तो अगर वो वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगी तो माइक्रो कंट्रोलर एक्टुएटर को सिग्नल देगा, एक्टुएटर आगे पानी का पाइप एक्टिव कर देगा और पानी के पाइप में से पानी निकल निकल के पौधों पर पड़ना शुरू हो जाएगा। जूं ही माइक्रो कंट्रोलर देखेगा कि जितनी देर मैंने पानी देना था उतना टाइम पूरा हो गया, तो एक्टुएटर को
ऑफ सिग्नल भेजेगा तो एक्चुएटर ऑफ हो जाएगा, जो ही एक्चुएटर ऑफ होगा तो पानी का पाइप में से निकलना भी रुक जाएगा और ऐसे आपका वो जो पानी फराहम करने का जो काम हो रहा था वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये तीन मेजर सिस्टम होते हैं, सेंसर्स, माइक्रो कंट्रोलर और एक्चुएटर्स। अब इनकी ना इनिशियली एक एक स्लाइड है, हम उस स्लाइड को सिर्फ एक एक मिनट में गो थ्रू करके ना इस सेशन को कोशिश करते हैं कि 11:10 पे एंड कर लें। ठीक है, तो माइक्रो कंट्रोलर क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं जिनका काम क्या है कि इनके अंदर आप प्रोग्राम लिखिए, इनके अंदर बर्न कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं और ये फिर उस प्रोग्राम को चलाना शुरू हो जाते हैं। इसमें माइक्रो कंट्रोलर होते हैं और माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो होते हैं ना स्लोअर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर हैवी होते हैं स्पीड वाइज, फंक्शनैलिटी वाइज। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर स्लोअर होते हैं, वो 16 MHz से 500 MHz तक उनकी फ्रिक्वेंसी होती है, वो इतनी स्पीड से काम कर सकते हैं। जबकि माइक्रो प्रोसेसर 500 MHz से गीगाहर्ट्ज में जा रहे होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में लगे होते हैं ना, ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर जो हैं वो कम स्पीड वाले होते हैं, उनके अंदर मेमोरी भी कम होती है माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले में, फीचर्स भी माइक्रो प्रोसेसर से कम होते हैं, लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर से बहुत सस्ते होते हैं। यही इनके एडवांटेज होता है, क्योंकि हमने काम छोटा सा करना होता है तो स्लो स्पीड वाला माइक्रो कंट्रोलर भी उसको बड़े आराम से हैंडल कर लेता है। मेमोरी रिक्वायरमेंट भी हम चूंकि एफिशिएंटली डिजाइन करते हैं सिस्टम को, तो हम उसकी लेस मेमोरी के अंदर भी उसको पूरा कर लेते हैं काम को अपने। और चूंकि वो बहुत सस्ते होते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर यूज करने की वजह से आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट में, फाइनल कॉस्ट में इजाफा इतना ज्यादा नहीं होता, नेग्लिजिबल इजाफा होता है। अगर उसकी जगह माइक्रो प्रोसेसर से वही काम करवाएं तो शायद अच्छा खासा फर्क पड़ जाए प्राइस में, तो इसकी वजह से माइक्रो कंट्रोलर को प्रेफर करते हैं। और हम करते क्या है कि हम अपना प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर लिखते हैं, जिस तरह हम रस्ट वगैरह में प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, उसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको माइक्रो कंट्रोलर पे कॉपी कर देते हैं। और कॉपी करने के बाद जो ही हम माइक्रो कंट्रोलर को पावर देते हैं ना, उसके बिजली की तार कोई कनेक्शन लगाते हैं, तो साथ ही वो प्रोग्राम को रन करना शुरू कर देता है और जब तक पावर रहती है उस प्रोग्राम को वो मुसलसल रन करता रहता है। ठीक है, और हम रस्ट की लैंग्वेज यूज करेंगे माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए। सेकेंड चीज थी सेंसर्स। सेंसर्स क्या करते हैं? वो इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस तरह ह्यूमिडिटी का सेंसर एनवायरनमेंट से ह्यूमिडिटी की इन्फॉर्मेशन लेगा, टेम्परेचर का सेंसर टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, अब आगे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है तीन के। एक थर्मिस्टर्स होते हैं, थर्मिस्टर टाइप के जो सेंसर्स होते हैं क्या करते हैं, वो टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट से, जहाँ पे वो पड़ा होता है उस इन्वायरमेंट की उस जगह की टेम्परेचर की वैल्यू ले लेता है और आपको प्रोवाइड कर देता है, आपसे मुराद ये माइक्रो कंट्रोलर को। फोटो रेजिस्टर जो होते हैं वो लाइट इंटेंसिटी, इस वक्त कितनी लाइट है उस सेंसर के मुकाम पे, वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर जो ब्राइटनेस है उसको ऑटो पे लगा दें, तो वो अगर आप किसी ओपन मुकाम पे जाएं दिन के टाइम तो फोन की जो बैक लाइट होती है वो हाई हो जाती है, और अगर आप रात के वक्त या किसी अंधेरी जगह पे जाएं तो बैक लाइट कम हो जाती है। वहां पर फोटो रजिस्टर काम कर रहा होता है, आपके मोबाइल की स्क्रीन में फ्रंट साइड के ऊपर ही कहीं ना कहीं फोटो रजिस्टर लगा होता है, वो आपकी इन्वायरमेंट जहाँ आप खड़े हुए हैं ना वहाँ पे लाइट की वैल्यू ले रहा होता है, लाइट इंटेंसिटी की, और जितनी ज़्यादा हाई या लो होती है उसके मुताबिक उस स्क्रीन की ब्राइटनेस को लो या हाई कर लेता है, वाइस वर्सा फॉर्म में। क्योंकि अगर बाहर की लाइट ज़्यादा है फोटो रजिस्टर ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो ये सॉरी वाइस वर्सा नहीं, सेम उसी प्रोपोर्शन में, तो ये भी आपकी LED की जो बैकलाइट है उसको हाई कर देगा। अगर आप हाई लाइट एरिया में हैं, हाई लाइट एरिया में, या जिस तरह दिन के टाइम आप बाहर खड़े हुए हैं किसी ओपन एरिया में, तो ये स्क्रीन की बैकलाइट को भी हाई कर देगा। अगर आप लो लाइट एरिया में हैं तो स्क्रीन की बैकलाइट को भी लो कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से वो जो आपका ऑटो ब्राइटनेस वाला सिस्टम है ना काम करता है इस फोटो रेजिस्टर की मदद से। और सीमोस कैमरा जो सेंसर है ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से इमेज कैप्चर करता है, इसको आप कैमरा कह सकते हैं। तीसरी चीज एक्टुएटर। एक्टुएटर क्या करते हैं, जिस तरह से सेंसर्स इन्वायरमेंट से डाटा रिसीव करते थे, एक्टुएटर इन्वायरमेंट में कोई इवेंट भिजवाते हैं, कोई काम करवाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल LED एक्टुएटर जो है उसको जब कमांड जाएगी तो LED जल पड़ेगी। ठीक है, तो होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई वैल्यू ले रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर जो वोल्टेज है बिजली की वो अगर 220 नॉर्मल होनी चाहिए, अगर 240 से ज़्यादा होती है तो रेड लाइट जला दो, जिससे आपको पता चल जाए कि जी वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर लिया, तो मैं अपनी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको बंद कर दूं, ये ना हो कि कहीं वो जल ही ना जाए हाई वोल्टेज की वजह से। ठीक है, तो ये LED की मदद से आप ये कुछ सिग्नल ले सकते हैं, इस तरह का विजिबल सिग्नल। फिर LCDs हैं जिसके ऊपर आप
डेटा को भिजवा के डिस्प्ले करवा सकते हैं, कोई ग्राफ डिस्प्ले करवा सकते हैं, मोटर्स हो सकती हैं जिनके ऊपर जब आप वैल्यू भिजवाएं तो वो रन होना शुरू हो जाए, उनकी मदद से कोई काम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डिजिटल गेट लगवाया हुआ है जिसके पीछे मोटर लगी हुई है, सर्वो मोटर। तो आप क्या करते हैं कि आपने आगे कोई की वाला वो बनवाया हुआ है गेट, तो आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर अपना पासवर्ड की जो की होती है वो टाइप करते हैं। तो अगर सही पासवर्ड की टाइप की, तो माइक्रो कंट्रोलर सर्वो मोटर को सिग्नल भेजेगा, सर्वो मोटर ऑन होगी और वो खींच कर आपके गेट को खोल देगी, ठीक है। और अगर आप गलत वैल्यू दे रहे हैं तो फिर वो सर्वो मोटर को कनेक्ट, वो ओके का सिग्नल ले जाएगा और वो गेट नहीं खुलेगा, ठीक। इस तरह के मामला हो सकते हैं। तो एक्टुएटर्स क्या करते हैं, या वही वाला एग्जाम्पल कि अगर नमी की वैल्यू 50% से कम है तो आपका वो जो पाइप के ऊपर एक्टुएटर लगा हुआ है, ठीक है, वो एक्टिव होगा और उससे क्या होगा, बल्कि उसके अंदर भी कोई सर्वो मोटर लगी होगी जो चलेगी और वो आगे कनेक्टेड होगी आपके वॉल्व से। जैसे हम पानी का वॉल्व होता है ना, उसको हाथ से खोलते हैं तो पानी चलना शुरू हो जाता है, हाथ से बंद करते हैं तो बंद हो जाता है। अब वो जो बंद और खोलने वाला काम है वॉल्व का, वो सर्वो मोटर कर रही होगी, सर्वो मोटर ऑन होगी, वो घूमेगी और घूमते घूमते वो जो आपका वॉल्व है ना उसको भी खोल देगी घूमकर, ठीक है। जैसे कि हमने हाथ से खोला हो, वैसे सर्वो मोटर उसको अपने घूमने वाले प्रेशर से खोल देगी तो पानी चलना शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह जब वो सेंसर देखेगा कि जी अब काफ़ी पानी, 5 मिनट का टाइम था मेरा तो 5 मिनट पूरे हो गए पानी लगाने के, तो दोबारा से सर्वो मोटर को रिवर्स कमांड देगा, सर्वो मोटर उल्टी चलेगी और अब वो जब उस वॉल्व को घुमाएगी तो आपका वो पानी का पाइप बंद हो जाएगा। फिर इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, बस अभी अगली 4-5 स्लाइड्स हैं, चलिए मैं यूँ करता हूँ कि अभी एक्टुएटर के ऊपर हम आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह यहाँ एक्टुएटर से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछ लें, क्योंकि अब हम यहाँ पे अपना ये वाला सेशन एंड कर रहे हैं और बाकी का सेशन फिर हम कल इंशाल्लाह यहाँ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप प्लीज़ पूछ लीजिए, या किसी की कोई सजेशन या डिस्कशन है तो वो कर लें। अगर कोई जाना चाह रहे हैं तो बोले तो जा सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? चलें जी, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।